नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल और Facebook पेज वेट गुरु जी पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पशुओं में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन डोरासाइट के बारे में। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल पशुओं में किन किन परिस्थितियों में किया जाता है, इसका उपयोग कैसे करना है, इसका उपयोग कौन कौन से पशुओं में करना है, ये प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक YouTube चैनल वेट गुरु जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेवे और Facebook पेज को भी फॉलो जरूर कर लेवे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों डोरासाइट इंजेक्शन एस्टर कंपनी का प्रोडक्ट है और ये 10 ml की वॉइल में है। दोस्तों इसमें साल्ट की बात करें तो इसमें डोरामेक्टिन साल्ट है। दोस्तों डोरामेक्टिन साल्ट के अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से इंजेक्शन बनाती है, जैसे जेडेक्स कंपनी का डोरामेक्ट नाम से इंजेक्शन आता है। दोस्तों इस इंजेक्शन में डोरामेक्टिन की मात्रा की बात करें तो दोस्तों इसमें जो डोरामेक्टिन है वो 1 ml में 10 mg डोरामेक्टिन मिला हुआ होता है। दोस्तों इस इंजेक्शन की वाइल की बात करें तो दोस्तों ये 10 ml की वाइल में मिलता है और इसमें इस तरीके की पैकिंग में ऐसी वाइल दोस्तों आपको 10 ml की पैकिंग में मिलेगी। दोस्तों ये इस तरह की वाइल आपको मिलेगी। दोस्तों डोरासाइट इंजेक्शन की MRP की बात करें तो दोस्तों 10 ml की इसकी ₹245 MRP है। जब ये आप वीडियो देख रहे हो तो MRP कम या ज्यादा भी हो सकती है। दोस्तों सबसे पहले बात करें कि इस इंजेक्शन का उपयोग आप किन किन पशुओं में कर सकते हो, तो दोस्तों इस इंजेक्शन का इस्तेमाल आप गाय भैंस भेड़ बकरी और सुअर में कर सकते हो। दोस्तों ये इंजेक्शन एक लॉन्ग एक्टिंग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी पैरासाइट इंजेक्शन है। दोस्तों ये बाहरी और आंतरिक दोनों पैरासाइट पर काम करता है। दोस्तों अगर आपके पशु को जूं चिंचड़ी किलनी है बाहरी परजीवी है तो उस स्थिति में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल आप कर सकते हो। दोस्तों आपके पशु में अगर आंतरिक परजीवी है जैसे राउंडवर्म लंगवर्म तो उस स्थिति में इस इंजेक्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये इंजेक्शन दोस्तों आंतरिक और बाहरी परजीवी इंटरनल और एक्सटर्नल पैरासाइट पर काम करता है। दोस्तों इंटरनल और एक्सटर्नल जो पैरासाइट है उनकी वजह से पशु में कई सारी बीमारियां होती है। दोस्तों पैरासाइट की वजह से पशु में कई प्रोटोजोआ जनित रोग हो जाते हैं जिससे पशु की मृत्यु भी हो जाती है। दोस्तों अगर पशु स्वस्थ है और पशु में जूं चिंचड़ी है तो उससे बचाव के लिए भी आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों पैरासाइट के अटैक से पशु में विभिन्न प्रकार के असर पड़ते हैं। दोस्तों इनमें सबसे ज्यादा जो असर है वो पशु दुधारू पशु में दूध कम हो जाता है और पशु में डायरिया हो जाता है जो रुकता भी नहीं है। दोस्तों अगर पशु में लगातार डायरिया हो रहा है रुक भी नहीं रहा है तो आप उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों कई बार पैरासाइट की वजह से डायरिया बंद नहीं होता है तो आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों अगर आपका पशु कमजोर हो रहा है और पशु को पाइका है तो उस कंडीशन में भी आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों इस इंजेक्शन को आप 90 दिन के बाद में वापस रिपीट कर सकते हो। 90 दिन से पहले आप अपने पशु को ये इंजेक्शन रिपीट नहीं करना है। दोस्तों ये इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ है नहीं इसके बारे में बात करें तो दोस्तों ये इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ है। इसका प्रेग्नेंट पशु पर कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों इस इंजेक्शन को लगाने से पशु में जलन भी नहीं होगी और सूजन भी नहीं होगी अगर आप सही तरीके से लगाते हो तो। दोस्तों इसको लगाने के 3 महीने बाद में रिपीट करना है 90 दिन बाद में, इस बात का दोस्तों आपको खास ध्यान रखना है। दोस्तों इस इंजेक्शन की डोज की बात करें तो गाय भैंस और भेड़ बकरी में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल आपको 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट पर आपको इसका इस्तेमाल करना है। 50 kg बॉडी वेट तक आप इसको 1 ml तक लगा सकते हो। और दोस्तों सीधी डोज की बात करें तो 500 kg का अगर आपका पशु है तो उसको आप ये 10 ml का पूरा इंजेक्शन लगा सकते हो। दोस्तों इसकी रूट की बात करें तो ये इंट्रामस्कुलर और सबगट लगता है, चमड़ी के अंदर और मांस के अंदर लगता है। दोस्तों सुअर में इसकी डोज की बात करें तो 1 ml आप पर 33 kg बॉडी वेट लगा सकते हो। अगर आपका सुअर है वो 33 kg का है तो आप उसको 1 ml लगा सकते हो और अपने अगर आपका सुअर बड़ा है तो आप उसमें बॉडी वेट के हिसाब से डोज बढ़ा सकते हो या फिर अगर बॉडी वेट कम है तो डोज कम कर सकते हो। दोस्तों इसमें जो दूध में प्रभाव की बात करें तो इसका दूध में 7 दिन तक प्रभाव रहेगा और मांस में इसका प्रभाव 28 दिन तक रहेगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।